यूसीसी जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है, बहुत पहले प्रपोज किया गया था कि हमारे पास एक यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ सिविल कोड हो, लेकिन उसके साथ साथ अगर आप देखेंगे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक और बात कही गई थी लीगल प्लूरलिज्म की। हमारे यहाँ पे जो है लैंड ऑफ लॉ कॉन्स्टिट्यूशन के साथ साथ कस्टमरी लॉज की भी बात की जाती है, और जब कस्टमरी लॉज को भी सैंक्शन दिया है हमने लीगल प्लूरलिज्म की जो अपने कॉन्स्टिट्यूशन में एक स्पेस ली है, तो कहीं ना कहीं अब बहुत सारे जो आई वुड से आइडियोलॉजिकल ग्रुप्स, बट ये डिबेट इन द एट द टाइम ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमिंग भी ये डिबेट निकल के आई थी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए, वन लॉ वन कंट्री काइंड ऑफ थिंग, एंड इट वाज फेल्ट द मिसनोमर वाज दैट कि यूनिफॉर्म सिविल कोड होगा तो सब सिटीजंस, बिकॉज ये जो सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है वो भी इसमें बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि कोई जो हमारे यहाँ कोई डिस्क्रिमिनेशन जो है वो कास्ट क्लास क्रीड और सेक्स के आधार पे डाउन। तो कहीं ना कहीं वहाँ से ये था कि तरजीह किसको दी जाए, लॉ ऑफ द लैंड को दी जाए या कस्टमरी लॉज को दी जाए, ये एक डिस्कशन थी और ये डिस्कशन ये बहस चलती थी। यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है एक तरह की होमोजेनाइजेशन की बात करता है। होमोजेनाइजेशन जो है वो पॉसिबल नहीं है लुकिंग इन टू द डाइवर्सिटी ऑफ इंडियन स्टेट। We have linguistic diversity, we have tribal diversity, cultural diversity, we have religious diversity. कहीं ना कहीं जो diversity है, जो हमारी constitution, जो आईन में हमारी diversity है, उसको ये hit करता है। Because दूसरी बात ये है कि हर समुदाय जो है उसके अपने customary laws हैं। देखिए UCC जो है वो अगर कॉन्स्टिट्यूशन में यूसीसी की बात की जाती है तो दूसरी तरफ डाइवर्सिटी की बात की भी की जाती है। उसको कहा जाता है कि यू नो माइनॉरिटी राइट्स की भी बात की जाती है, आर्टिकल 29 एंड आर्टिकल 30 माइनॉरिटी राइट्स की भी बात करते हैं। तो ये एक तो बड़ा अपने आप में बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है कि हम किसको प्रोटेक्ट करें। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स जो हमने माइनॉरिटीज को दिए हैं, जिसमें हम ये कहते हैं कि उनको पूरा हक है कि वो अपने आप को जो अपने कल्चर अपनी लैंग्वेज को प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्रोपोगेट कर सकते हैं, इंस्टीट्यूशंस इस्टेब्लिश कर सकते हैं, नंबर वन। नंबर टू वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इसका बहुत ज़्यादा विरोध हुआ, जिसकी ज़्यादा बात नहीं होती है, ये भी था कि कहीं ना कहीं ये भी कोशिश की गई यूनिफॉर्म सिविल कोड के अंदर कि सिक्स और बुद्धिस्ट को भी अंडर हिंदू डिफाइन किया जाए, मैरिज इनहेरिटेंस डिवोर्स की अलग नॉर्म्स हैं, इनको रूल्स तो नहीं कह पाएंगे लेकिन नॉर्म्स। अम्बेडकर ने कहा था कि आर्टिकल 44 स्टेट इम्प्लीमेंट करेगा मगर फोर्सफुली इम्प्लीमेंट नहीं कर सकता है ना, तो वो फोर्सफुली इम्प्लीमेंट नहीं कर सकता, वो कैसे कर सकता है? कॉमन लॉ लाया जा सकता है, यूनिफॉर्म लॉ लाना बड़ा मुश्किल काम है यहाँ पे। और फिर जब इतने मुद्दे हमारियाँ हैं मतलब सोसाइटी में है, पहले हमें उनको ही सॉल्व करना पड़ेगा। और जहाँ तक कि हम ये कहें कि बात महिला आंदोलन या वुमेन मूवमेंट्स की, तो वो कभी भी यूनिफॉर्म सिविल कोड के फेवर में नहीं रहे, क्योंकि उनका मानना था कि इसमें जेंडर जस्ट मिलेगा नहीं, उसके साथ साथ माइनॉरिटी ट्राइब और जितने भी ये जैसे अंडर प्रिविलेज लोग हैं उनके राइट्स का वायलेशन होगा। प्राइवेट डोमेन जहाँ हम रहते हैं तो वो तो हम लोग अपने एक धर्म में पैदा होते हैं, एक हमारी इंस्क्राइब्ड आइडेंटिटी होती है, जो हमारी इंस्क्राइब्ड आइडेंटिटी होती है, जो हमारी प्री मॉडल आइडेंटिटी जिससे हम पैदा होते हैं, जो हमारी पहचान होती है, हम उसमें रहना और जीना चाहते हैं, उसके हिसाब से जिंदगी। सरकार ने तो लीगल प्लूरलिज्म तो कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया ही हुआ है ना, जो नहीं चाहता वो मनमर्जी अपनी मर्जी से जीवन यापन करता है, आर्टिकल वो स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत शादी कर लेता है जिससे करना चाहता हो, वो भी है वो प्रोविजन है। तो ये कहीं बेहतर अरेंजमेंट है, जिसको जो सही लगे वो करे। सबसे पहली बात है कि इसके ऊपर सरकार लोगों के व्यूज इनवाइट करे,
सरकार रिलीजियस जो धार्मिक संस्थाएं हैं उनके व्यूज इनवाइट करें, वुमेन ऑर्गेनाइजेशंस को इन्वॉल्व करें, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लीगल प्लूरलिज्म की बात करता है, वो कस्टमरी लॉज की भी बात करता है, लॉ ऑफ द लैंड की भी बात करता है, तो इसलिए तो जरूरी है, इसलिए जरूरी है। हमारे यहाँ शादियां क्या कोर्ट में होती है? जाती शादियां कहाँ होती है? सभी जगह घरों में होती है, फैमिली के अंदर होती है, अक्सर डिवोर्स भी फैमिली के अंदर ही हो जाते हैं, लेकिन जब मसला आता है तो फिर हम जाते हैं। इनहेरिटेंस, एडॉप्शन, देयर आर मेनी इश्यूज। ये सोचने वाली बात है कि अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड आर्टिकल 29 और 30 को चैलेंज करेगा तो डेफिनेटली फिर तो सारी माइनॉरिटीज जो है वो मार्जिनलाइज हो जाएंगी। माइनॉरिटीज तो माइनॉरिटीज तो मार्जिनलाइज हो जाएंगी जहाँ, और मेरे ख्याल से फिर ये अपने आप में कॉन्ट्रडिक्शन है, क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में हम बात करते हैं वर्नाकुलर की, रीजनल लैंग्वेज की, और जब हम वर्नाकुलर की बात करते हैं फिर हम यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा तो सबको पढ़ाई ही भाषा में करानी पड़ेगी, फिर माइनॉरिटी इदारे नहीं रहेंगे, तो फिर हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी को कैसे जस्टिफाई करेंगे? किस आधार पर कहते हैं हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं क्रिमिनलाइजेशन ऑफ ट्रिपल तलाक, स्टेट एक्टिंग एज अ सेवियर, तो ये सेवियर स्टेट कहाँ चला गया? पूछिए ना, बुलेटिन तो सेवियर स्टेट कहाँ चला गया? जहाँ पे वो कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो कभी भी जो था इंडिया का मतलब महिला आंदोलन यूनिफॉर्म सिविल कोड के साथ नहीं रहा। मगर हाँ, मैं ये भी कहती हूँ इसमें डरने की जरूरत नहीं है। मोदी जी हमारे संवाद के आदमी है, प्रधानमंत्री जी वो संवाद जरूर करवाएंगे। देखिए, ये मुस्लिम पर्सन लॉ की मैं सही बात नहीं समझती, मैं तो कहती हूँ कि उसको इस डिबेट में पूरा पार्टिसिपेट करना चाहिए, फुली पार्टिसिपेट करना चाहिए, शुरुआत करनी चाहिए। अच्छा, दूसरी बात है कि एक बार फिर हम मुड़ जाते हैं, हमेशा यूसीसी को हम मुस्लिम्स के साथ जोड़ के देखते हैं, ये बहुत गलत बात है। मुस्लिम यूसीसी इज टॉकिंग अबाउट एडॉप्शन, इनहेरिटेंस, मैरिज, डिवोर्स ऑफ द कम्युनिटीज, तो हम उसमें क्यों नहीं, बाकी समुदाय को क्यों नहीं लाते? तो ये डिबेट का विषय खाली मुस्लिम पर्सन लॉ की का ही नहीं है, सब समुदायों को, सब रिलीजियस कम्युनिटीज के जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनसे बात करें, उनसे देखें कि ये कैसे। समझिए, अगर आप मुझे कुछ कह रहे हैं और मेरे मन में एक डर है कि इससे ऐसा नहीं होगा कुछ नेगेटिव हो जाए, तो आपको एज ए अथॉरिटी, एज ए नेता, आपको वो डर मेरे मन से निकालना है कि नहीं, हम यूसीसी, ये जो लोग बात कर रहे हैं कि सिर्फ एक मुसलमानों को जेल में भरने का तरीका है और मुस्लिम महिलाओं का कोई भी अच्छा नहीं होने वाला, ये डर तो निकलवाइए पहले। आप मेट्रो सिटीज में हम टीम को बिठा के जो एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी में है या मेट्रो सिटीज में मूव कर रहे हैं, हम यूनिफॉर्म सिविल कोड में बात कर रहे हैं, तो क्या यहीं से थोड़ी दूर गाजियाबाद में हम चले जाए तो क्या वो महिलाएं यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब जानती है? मुझे तो पहले यही बात समझ में नहीं आती कि यूसीसी लाना है, उससे क्या फायदा, उससे किसका उद्धार? देखिए, वो तो जो एक पूरा ये एजेंडा है हिंदुत्व का कि हिंदू राष्ट्र और कैसे हम जोड़ पाएंगे, तो वो तो एक पॉलिटिकल एजेंडा तो है, वो पॉलिटिकल एजेंडा है कि वन नेशन वन लॉ,